शिवानंद महाराज ने नवधा भक्ति जो रामायण में राम के प्रति, वही नवधा भक्ति गुरु जी के लिए बखानी। गुरु भक्ति योग, दृढ़ गुरु भक्ति योग ग्रंथ का अभ्यास करे, पढ़े थोड़ा बहुत, अभ्यास में रुचि रखे। दूसरा, सद्गुरु के विचारों को और शब्दों को अपने कर्मों में लाए और श्रद्धा सहित, कैसा भी बोंदू हो, वापिस का भी सरदार हो बोंदू पने में, एकदम छलांग मार के तर जाएगा। तीसरा, गुरु आदेश को कार्यविंत करने में लग जाए, पूर्ण कोशिश करे कि गुरु का आज्ञा है, गुरु का आदेश है, मुझे करना है। ये तो मैं अभी आपको पढ़ा हुआ सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में गुरु की कृपा से ऐसा होने लगता था। जो हरीफ थे उन्होंने मेरे को सुना दिया कि गुरुजी ने कहा है कि इनको चाइना पिक दिखा के आओ, और मेरा देखा हुआ नहीं था। मैं कहा अच्छी बात है। उनको ले गया तो सूरज उगने के पहले निकले आश्रम से, थोड़ा सा एक दो माइल चले तो मौसम खराब, ओले पड़ने लगे, कोहरा, आंधी, तूफान, पहाड़ी बरसात। तो जो ऊपर गए थे हमसे पहले वो वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ जो भगत थे वो भी वापस होना चाहते थे। मैं कह नहीं, गुरु की आज्ञा है, आपको चाइना पीक दिखाना है। कभी उनको सत्संग सुनाऊं, कभी हाथा जोड़ी करूं, कभी गिड़गिड़ाऊं, कभी दम मारूं, ऐसे करते करते 10-5-25 कदम चले और फिर वो ढीले हो जाए। मोटे मोटे थे, उनको मनाने में इतना परिश्रम पड़ा कि भगवान को मनाने में ऐसा मैंने परिश्रम नहीं किया। भगवान तो ऐसे ही मन जाते थे। इतना मनाया, इतना मनाया कि दोपहर को 2 बजे, 6 बजे निकले थे, दोपहर को 2 बजे हम चाइना पिक पहुंच गए। मौसम साफ, लोग तो साहब सैलानी भाग गए थे, वो दूरबीन वाले आठ आना दो, 2 मिनट देखो, अब तो आठ आना दो देखते रहो। अच्छी तरह से देखा, चाइना पीक देखा है, देखा वो देखा है मालिक। और वो जब संतुष्ट हुए लौटे तो चढ़ने में तो देर थी मोटों को, लौटने में वो मेरे से 10-5 कदम पहले गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले साईं, हम चाइना पीक देख के आ गया, आज तो मौसम खराब था, तुम कैसे पहुंचे? तो उन्होंने सारा मेरी बात करके सुनाई कि आपका जो आशाराम साधक है तोबा है, तोबा साई तोबा। बस मेरे को तो गुरु की आज्ञा, गुरु जी ने सीधी आज्ञा नहीं की थी, हरीफ ने मेरे को सुनाया था कि साईं की आज्ञा है। साईं को फिर बोल दिया होगा कि इसने देखा है, वो तो हरीफ लोग सब सेटिंग कर लेते हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकना, ऐसे मेरे को उठा के गुरुद्वार से फेंकने में लगे थे सारे सीनियर, मैं अकेला जूनियर था। सीनियर का झुंड एक तरफ और मैं जूनियर, सब सह के मजे से रहता था, दुखी नहीं होता था। उनके अपनी मति गति है, मेरे को तो गुरुजी के लिए आया हूँ, गुरुजी मुझ पर प्रसन्न है। और गुरुजी कभी कभी उनकी बातों में जरा सा नाराज भी हो जाते तो मुझे दुख नहीं होता था। गुरुजी सब जानते, देर सवेर सब हो जाएगा। अब देर सवेर वो सच्चाई खुलती तो गुरुजी द्रवित हो जाते कि तूने बोला क्यों नहीं। मैं क्या, कोई बात नहीं साईं। तो गुरुजी और कृपालु हो जाते थे, मेहरबान हो जाते। बाहर से दिखता था मेरे पर जुलम बरस रहा है, लेकिन मैंने अपने पर जुलम होने ही नहीं दिया। ओम गुरु मेरे गुरु, जो करेंगे ठीक है। तो गुरुजी के जब महाप्रयाण हुआ ना, मैं ये बात आधे में नहीं छोड़ूंगा, तो बोले तुम चाइना पीक देख के आए? बोले हाँ। मौसम खराब, बारिश, ओले, तुम गए कैसे? बोले वो तुम्हारा आशारा मैंने, साई तोबा है तोबा। ऐसा चिचड़ भी नहीं चिपकता, कोई चिपकू प्राणी भी इतना नहीं चिपकता जितना चिपक गया कि साई की आज्ञा है। कभी हाथा जोड़ी करे, कभी सत्संगी बातें सुना है, कभी कुछ, कभी दम मारे कैसे। हमको आखिर उन्होंने पहुंचाया आपके आशारा। तो मेरे साईं जी ने कहा प्यो, फिर क्या हुआ? बोले साईं, हम वहां गए तो मौसम खुल गया। तो साईं ने कहा
जो गुरु की आज्ञा मानता है तो प्रकृति भी उसकी आज्ञा मानी ने, अब उसकी आज्ञा कुदरत भी मानेगी। त्यों मैं कह रहे महाराज, गुरु महाराज, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा वरदान दे डाला। हमारी औकात ही नहीं थी कि हम बोलें कि हमारी आज्ञा प्रकृति माने। हमारे में ऐसा कोई बल बुद्धा कोई तपस्या नहीं थी, लेकिन हरीफ ने साजिश की और वो साजिश का फल मेरे लिए गुरु का वरदान हो गया कि गुरु की आज्ञा मानकर ले गया ना तुमको, अब उसकी आज्ञा कुदरत मानेगी। मेरी क्या औकात थी कुदरत मेरी आज्ञा माने, मैं ऐसा वरदान कैसे चाह सकता हूँ। लेकिन गुरुजी ने देने में देर नहीं, और भगवान तो चुरवा लिए, अब प्रकृति मेरी आज्ञा माने। आप क्या समझते हैं ऐसे गुरुजी के लिए मैं क्या बोल पाऊंगा। ऐसे गुरु तो गुरु शब्द भी मेरे को तो, अब दूसरा शब्द कौन सा है, ये बड़ा पातक नाशक शब्द है। गुरु बोलने मात्र से पाप राशि नष्ट होती, रू बोलने से रूहानियत के खजाने खुलते, ऊ बोलने से आत्म परमात्मा की एकता का वैभव प्रकट होता है। गुरु गुरु भगवान नारायण का भी नाम एक गुरु है। हे गुरु गुरु ओम गुरु ओम गुरु, जो ओम के एक बार गुरु शब्द भी बोल देता है तो उसके पाप राशि नष्ट हो जाते। और गुरु पूनम, ये गुरु पूनम के साथ आषाढ़ी पूर्णिमा युग का आदि दिवस आज के दिन जुड़ा है। तो नौ प्रकार की गुरु भक्ति बताई शिवानंद सरस्वती। तो एक तो गुरु भक्ति योग का अभ्यास दृढ़ रुचि करके वो पुस्तक पढ़े, गुरु भक्ति योग वापस। दूसरा, सद्गुरु के विचार शब्दों और कर्मों में परम श्रद्धा रखे। तीसरा, गुरु के आदेश को कार्यान्वित करने की पूरी चेष्टा करें। चौथी बात, तो गुरु का आदेश मिला और मैंने उनको चाइना पीक दिखा दिया, पूरी चेष्टा करें, ये तो ये अभी मेरे पास आया ग्रंथ की बात। लेकिन ऐसा हो गया तो बदले में मुझे वो मिल गया कि मेरी गुरु की आज्ञा मान के तुमको ले गया तो अब उसकी कुदरत आज्ञा मानेंगी, तो बरसात कर देती है कुदरत, क्या क्या हो जाता है। चौथी बात है कि अपने जीवन में विनम्रता से प्रणाम करें, दिखावटी प्रणाम नहीं, और गुरु मंत्र का जप आदर से करें। ऐसा नहीं कि चलो माला नियम पूरा करो जान छुड़ाओ। पांचवा, ये भक्ति गुरु भक्ति योग है, अपेक्षा रहित सेवा करें। मेरा भला हो जाए, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा सोच के मैं नहीं गया था, बस गुरु के आ गया चल दिए, गुरु जी खुश हो जाएंगे मुझे वरदान मिलेगा, ऐसा दुर्भाग्य मेरा नहीं था उस समय, ये तो गुरु जी ने बरसा दी कृपा, तो गुरु जी ये कर देंगे गुरु जी वो कर देंगे। ये बनियागिरी करके सेवा करते उसमें बरकत भी नहीं आती, गुरु जी ने कहा बस करने का अवसर मिला है क्यों छोड़े। तो छठ पांचवा है अपेक्षा रहित गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा मान के वो कार्य पूरा कर। छठी बात है कि मानसिक पूजा करें, ये तो मैं अभी सुनता हूँ, मैं पहले से कर लिया था, मन ही मन गुरु जी को नहलाते पहुँचते जिमाते, मानसिक सेवा। ये बाह्य सेवा से षोड़शो उपचार सेवा का फल है, लेकिन उससे भी सैकड़ों गुना मानसिक पूजा का फल होता है, और ये करना आसान है। षोड़शो उपचार इकट्ठा करो, विधिवत मंत्र करो, वो जो फल मिले उससे सौ गुना तो मानसिक पूजा से फल मिलता है। मेरे को पता नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा रुचि अंदर से होती थी और मैं करता था, मानसिक पूजा करें। सातवीं गुरु भक्ति, नवदा भक्ति में सातवां भक्ति योग है, दैवी कार्य तन मन और धन लगाकर करें। गुरु जी के दैवी कार्य हैं तो तन से मन से धन से कोशिश करके उन कार्यों में अपने को लगा दें, ये भक्ति योग का सातवां सोपान है। और आठवां है गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, एक गुरु के शरीर का ध्यान करना, गुरु मूर्ति का ध्यान करना, ये भी आया, लेकिन इससे भी आगे छलांग मार के गुरु जी के स्वरूप का भी ध्यान करें।
तो गुरु व्यापक है, विभू है, चैतन्य है, अमर है, निरंजन है, निराकार है, वो नारायण स्तुति में गुरु जी का स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, वही गुरु का स्वरूप है। जो गुरु का स्वरूप है वही नारायण ब्रह्म का स्वरूप है। और नौवीं बात है कि उपदेश श्रवण करके निष्कपटता से उपदेश का अभ्यास करे। जो गुरु से सुना है निष्कपटता से, दूसरों को सुना कर रोजी रोटी कमाने वाले तो कई लोग आए गए, लेकिन सुना हुआ उपदेश निष्कपटता से दूसरों को सुनाकर उनका मंगल चाहे, गुरु भक्ति योग सिद्ध हो गया। कल युग में और योगों में तो कई विघ्न भी आते हैं और योग भ्रष्ट होने के भी भय रहते हैं, लेकिन गुरु भक्ति योग में विघ्नों का तो विशेष प्रभाव नहीं है और योग भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं है। गुरुदेव संभालते रहते हैं। ये नवधा गुरु भक्ति योग की बातें आपने सुनी।